चाहे तो स्टे के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो भी टेम्पररी मिल सकता है। लेकिन जब ये 2 महीने पहले इशू हुआ था, जब एक एमपी ऑब्जेक्शन फाइल कर पार्लियामेंट ऑफ मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं, वहीं पे कुछ एमएलए सेक्युलर पार्टियों के थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? वहीं पे कुछ तंजीमें जो टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर थे मैसूर के और मंड्या के, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया। मैं समझता हूँ हमारा सोना हमारी बेदारी नहीं होने के वजह से प्रताप सिंह कामयाब हो गया। अभी भी वक्त है, अरे मैसूर के लोगों जागो, आप टीपू सुल्तान शहीद के शेर हो, आप उम्मीदवार अच्छों को चुनो ताकि आपकी प्रोटेक्शन, आपके हिस्ट्री की प्रोटेक्शन हो करके। ये समझता हूँ एक बुनियादी बेस पर एक स्ट्रैटेजी प्लान थी कि तुम ये काम करो, मैं चुप बैठूंगा, मैं वो काम करूंगा, तुम चुप बैठो करके। आप भी कुछ कर सकते थे। मेरा इसके पीछे मेरे तंजीम से अल्हम्दुलिल्लाह जब जब मस्जिद आला पे इशू हुआ तो मैं वाहिद शख्सियत था जो दिल्ली तक जाकर आर्कियोलॉजिकल मिनिस्टर को मिलकर, आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट को मिलकर मेमोरेंडम्स ड्राफ्ट कर डीसी तक पहुंचाया हूं, जबकि वहां के प्रेजेंट एमएलए और प्रेजेंट टिपू ऑफ स्टेट चेयरमैन की पूरी जिम्मेदारी थी। चेयरमैन इसलिए दिया जाता है कि टिपू सुल्तान शहीद के जो जो इश्यूज़ हों उस पर बात करें, इश्यूज़ पर अटेंड करें। मुझे कहीं उम्मीद थी कि एक एमएलए वहीं पे जो रेलवे स्टेशन है उस रुकने असेंबली एनआर के एमएलए उस पर इशू उठाएंगे, उनका मुंह क्यों बंद था, उनका एक लेटर हेड भी लिखकर कहीं ऑब्जेक्शन पे नहीं दिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैंने प्रेस मीट की, प्रेस मीट के साथ साथ मेरा साइमेंटेनियसली कॉन्टैक्ट विद सदर्न रेलवे था, लेकिन ये अचानक इतनी जल्दी होगा करके मुझे यकीन भी नहीं था। ये आखिरकार जो है बीजेपी हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर जो ट्रेन बेंगलोर और मैसूर के दरमियान घूमती थी उस नाम को बदलने में कामयाब हो गई है। 1980 में लॉन्च हुई, इनॉग्रेटेड हुई ट्रेन देवराज अरसु चीफ मिनिस्टर और इंदिरा गांधी जब चीफ प्राइम मिनिस्टर करना रियासत मैसूर विजिट किए थे, उन्होंने चाहा कि एक मेमोरियल हजरत टीपू सुल्तान शहीद पे बने, एक रिमार्केबल मेरा विजिट एक तोहफा टीपू सुल्तान शहीद के नाम से बने करके उनकी ख्वाहिश और उनकी एक तमन्ना से इस ट्रेन को शुरू किया गया था। जो ट्रेन सिंगल ब्रॉड गेज में 135 किलोमीटर भागती हुई ट्रेन 4 घंटे में पहुंचती थी, जो अब डबल रेलवे लाइन होने के बाद भी 2 घंटे में टिपू एक्सप्रेस रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक 3 मरतबे आती जाती थी। जहां रेल का नाम बदली करने का सवाल है, वहीं पर मैं समझता हूँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इस रेलवे ब्रॉडगेज को आज भी कंट्रीब्यूशन जिंदा है। एग्जांपल 2015 में जब रेलवे ब्रॉडगेज का काम था, जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आर्मरी हाउस बीच में था, हजरत टीपू सुल्तान शहीद का आर्मरी हाउस उठाकर साइड में लेकर जाने पर डबल रेलवे ब्रॉडगेज बना। मैं समझता हूँ टीपू सुल्तान शहीद का एक तोहफा डबल ब्रॉडगेज लाइन में था। जब आज के दौर में भी अगर टीपू सुल्तान है तो उनकी कुर्बानियाँ मौजूद हैं, उसको नज़रअंदाज करते हुए जिसको प्रताप सिम्हा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको पेपर सिम्हा मैं कहता हूँ, अपने आप की पोलराइज करने, अपना नाम चमकाने के लिए, जबकि किसी का रिकमेंडेशन नहीं था कि टीपू सुल्तान शहीद का नाम हटवा कर वडेयर का नाम डालें करके। हमें वडेयर का नाम जो डालें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वडेयर साहब का नाम रेलवे स्टेशन का ही मैसूर जो स्टेशन है उसी का नाम रख सकते थे। चाहे तो और 3 महीने के अंदर 10 नई ट्रेनें मैसूर टू दिल्ली, मैसूर टू राजस्थान, मैसूर टू बम्बई, मैसूर टू कलकत्ता, मैसूर टू उड़ीसा 10 ट्रेनें आने वाली हैं। उसी में किसी का भी एक नाम देकर बड़ी जो 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर चलती है उस ट्रेन का रख सकते हैं। एक छोटी जो सड़क बेंगलोर टू मैसूर का नाम चेंज करवा कर रखने के लिए मैं समझता हूँ एक पोलराइज और एक मुद्दा सियासत को जिंदा रखकर टीपू सुल्तान शहीद जब जब इशू उठाएंगे कंट्रोवर्सी में रहते हैं और सियासत को जिंदा रखकर आने वाले दिनों में इलेक्शन है, बस मकसद सियासत है और कुछ नहीं। मिटा मिटा कर भी टीपू सुल्तान शहीद का नाम मिट नहीं सकता, ता क़यामत का चिराग है, इसे अल्लाह ताला और टीपू सुल्तान शहीद के चाहने वाले ता क़यामत तक जिंदा रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या कोई और? मैंने अपने लीगल एडवाइजर्स को भी पूछा कि अभी कोई रास्ता नहीं है, चाहे तो स्टे के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो भी टेम्पररी मिल सकता है। लेकिन जब ये 2 महीने पहले इशू हुआ था, जब एक एमपी ऑब्जेक्शन फाइल कर पार्लियामेंट ऑफ मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं, वहीं पे कुछ एमएलए सेक्युलर पार्टियों के थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया?
वहीं पे कुछ तंजीमें जो टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर थे मैसूर के और मंड्या के, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया। मैं समझता हूँ हमारा सोना हमारी बेदारी नहीं होने के वजह से प्रताप सिंह कामयाब हो गया। अभी भी वक्त है, अरे मैसूर के लोगों जागो, आप टीपू सुल्तान शहीद के शेर हो, आप उम्मीदवार अच्छों को चुनो ताकि आपकी प्रोटेक्शन, आपकी हिस्ट्री की प्रोटेक्शन हो करके। ये समझता हूँ एक बुनियादी बेस पर एक स्ट्रैटेजी प्लान थी कि तुम ये काम करो मैं चुप बैठूंगा, मैं वो काम करूंगा तुम चुप बैठो करके। आप भी कुछ कर सकते थे। मेरा इसके पीछे मेरे तंजीम से अल्हम्दुलिल्लाह जब जब मस्जिद आला पे इशू हुआ तो मैं वाहिद शख्सियत था जो दिल्ली तक जाकर आर्कियोलॉजिकल मिनिस्टर को मिलकर, आर्कियोलॉजिकल सुप्रिटेंडेंट को मिलकर मेमोरेंडम्स ड्राफ्ट कर डीसी तक पहुंचाया हूं, जबकि वहां के प्रेजेंट एमएलए और प्रेजेंट टिपू ऑफ स्टेट चेयरमैन की पूरी जिम्मेदारी थी। चेयरमैन इसलिए दिया जाता है कि टिपू सुल्तान शहीद के जो जो इश्यूज हों उस पर बात करें, इश्यूज पर अटेंड करें। मुझे कहीं उम्मीद थी कि एक एमएलए वहीं पे जो रेलवे स्टेशन है उस रुकने असेंबली एनआर के एमएलए उस पर इशू उठाएंगे, उनका मुंह क्यों बंद था, उनका एक लेटर हेड भी लिखकर कहीं ऑब्जेक्शन पे नहीं दिखा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैंने प्रेस मीट की, प्रेस मीट के साथ साथ मेरा साइमेंटेनियसली कॉन्टैक्ट विद सदर्न रेलवे था, लेकिन ये अचानक इतनी जल्दी होगा करके मुझे यकीन भी नहीं था। ये कब पास हुआ, कितना जल्दी प्रोसेस हुआ, और दशहरा का एक गिफ्ट के जैसा इन्होंने कर दिया कि सरप्राइजिंगली मुसलमानों के सेंटीमेंट्स पे हर्ट हुआ, दलितों के सेंटीमेंट्स पे हर्ट हुआ। खैर वडेयर साहब के नाम से हम ना कोई उस पर एतराज़ नहीं है, चाहते तो नाम अभी भी कुछ नहीं उसके लिए बदल कर टीपू सुल्तान शहीद का नाम ही रखें। जो 10 ट्रेनें बन रही हैं उसके लिए वडेयर साहब का नाम रखें। अगर ये नहीं होगा तो हम आने वाले दिनों में इसका संघर्ष करेंगे, इसके प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे तो हम लीगल तरीके से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी हमारी तहरीक खुदादा तैयार है।